हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है बच्चों हमारे YouTube चैनल पे, और मैं हूँ आपकी बायोलॉजी टीचर डॉक्टर किरण वत्स। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग लेके आई हुई हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कहा था कि नीट के प्रिपरेशन के लिए ज़रूरी है रिवीजन साथ साथ में करने। तो आज जो चैप्टर हमने शुरू कर रखा है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, उसी में से टिथ वाला जो टॉपिक है उसी पे से क्वेश्चन बना के लेके आई हूँ आपके लिए। और जितने भी इसमें क्वेश्चन हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जो कभी ना कभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो आपको करना क्या है, मैं आपको एक एक क्वेश्चन बताऊँगी, ऑप्शन दूँगी और बाद में मैं आंसर बताऊँगी। उससे पहले आपको अपना आंसर लिख लेना है और फिर मैच करना है। और जिन बच्चों ने ये टॉपिक अभी तक नहीं पढ़ा है वो पहले वाली वीडियो देख लें, ताकि उनको टॉपिक समझ में आ जाए और बाद में वो प्रैक्टिस करें। तो शुरू करते हैं बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट है, स्टडी ऑफ टिथ इज, टिथ की स्टडी को क्या कहा जाता है। बहुत आसान है, कुछ एक बच्चों को ऑप्शन देने की भी ज़रूरत नहीं है, आंसर पहले से उनको मिल गया है। सो स्टडी ऑफ टिथ इज, ऑप्शन है डेंटोलॉजी, टिथोलॉजी, एनामोलॉजी एंड ओडेंटोलॉजी। ऑफकोर्स टिथ की स्टडी को क्या कहा जाता है, ओडेंटोलॉजी। सो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर है, ओडेंटोलॉजी। सेकेंड क्वेश्चन, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ अवर बॉडी, हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन सा है। ऑफकोर्स मैंने जब तुम्हें ये टॉपिक करवाया था तो मैंने आपको कुछ बताया था कि भाई हमारा टिथ जो है, इनैमल जो है, हार्डेस्ट पार्ट होता है सबसे। तो इनैमल जो है वो तो टिथ के क्राउन पे प्रेजेंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर नंबर सी। फर्स्ट है स्कल, सेकंड है ब्रेन, थर्ड है टिथ, फोर्थ है कार्टिलेज। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका, टिथ। नेक्स्ट है, टिथ आर एब्सेंट इन, टिथ किन में प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो टिथ क्या फ्रॉग में प्रेजेंट नहीं होते हैं, फिशेज में नहीं होते हैं, रेप्टाइल्स में नहीं होते हैं, या फिर टॉर्टॉइज में नहीं होते हैं। तो बच्चों इसका राइट आंसर हमारा क्या है, टॉर्टॉइज। टॉर्टॉइज में टिथ प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो एक बार आप देख लो मैच करके, सीधा यहाँ से देख के नहीं करना है, पहले आपको ऑप्शन सुनने हैं, फिर आपको अपना आंसर लिखना है, बाद में आपको मैच करना है, और लास्ट में जब हमारे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे तो आपको लास्ट में कमेंट बॉक्स में भी लिख के बताना है कि आपके कितने ठीक थे, कितने मार्क्स आपने गेन किए हैं। नेक्स्ट है, फॉल्स टिथ आर फाउंड इन, जो नीचे चार ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से फॉल्स टिथ किस में प्रेजेंट होते हैं। तो ये आप पढ़ चुके हो कि फॉल्स टिथ किस में होते हैं। ऑप्शन नंबर वन, बर्ड्स में, सेकंड रेप्टाइल्स में, थर्ड साइक्लोस्टॉम्स में, और लास्ट है एम्फीबियंस में। ऑफ कोर्स बेटा, साइक्लोस्टॉम्स एनिमल किंगडम में हमने पढ़ा था, जालेस कैटेगरी बनाई हुई थी। सो साइक्लोस्टॉम्स जो है उनमें फॉल्स टिथ प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ टूथ फॉर्म, जो हमारे दांत का एक्सपोज्ड पार्ट होता है वो किससे मिलकर बना होता है, कौन सा पार्ट होता है। सो द एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द टूथ फॉर्म, देख लेते हैं ऑप्शन। फर्स्ट है रूट, क्या रूट है, तो ये तो नहीं है, क्योंकि रूट तो कैसा पार्ट है, अंडरग्राउंड पार्ट है ना, नहीं दिखाई देता ना। नेक वाला, नो। क्राउन एंड डेंटाइन, डेंटाइन भी नहीं है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड, क्राउन। क्राउन वाला पार्ट जो है, क्राउन शेप है उसकी, और क्राउन वाला पार्ट ऑफकोर्स वाइट पार्ट है, बाहर से दिखने वाला पार्ट है, बिल्कुल चमकने वाला पार्ट होता है। सो इसका राइट आंसर क्या है, क्राउन। आई थिंक मैच कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट, क्राउन ऑफ टूथ इज कवर्ड बाय, अब बेटा इसके लिए तो बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं पढ़ने हैं, ना मैं ऑप्शन पढ़ूंगी, क्योंकि ये आपकी बेइज्जती वाली बात हो जाएगी। बड़ा आसान सा है, सबको पता है ये,
कि भाई क्राउन वाला पार्ट जो है वो किससे कवर्ड अप होता है, इनामिल से होता है। इनामिल जो है ये वाइट कलर की शाइनिंग लेयर होती है जो कैल्शियम से, फ्लोराइड से, फॉस्फोर से बनी हुई होती है। ठीक है, नेक्स्ट, द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द वर्टिब्रेट्स बॉडी। वर्टिब्रेट्स की बॉडी में सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन सा होता है? तो ये शायद रिपीट होकर के क्वेश्चन आया हुआ है, बट हाँ यहाँ पर वर्टिब्रेट्स है, वहाँ ह्यूमन बींग लिखा हुआ था, तो आपको आंसर तो पता ही चल गया होगा। क्या कैरेटीन होता है? नहीं होता। क्या डेंटाइन होता है? सबसे हार्ड तो बिल्कुल नहीं होता डेंटाइन। क्या इनामिल होता है? और क्या कॉन्ड्रीन होता है? तो बच्चों हमें आंसर मिल चुका है, कौन सा? इनामिल। ठीक है, नेक्स्ट, एक्टोडर्मल सेल दैट सिक्रेट इनामिल ऑफ टूथ। कौन सी एक्टोडर्मल सेल हैं जो हमारे टिथ में इनामिल को रिलीज करवाती हैं? टॉपिक में आपको बताया था जब मैंने आपको करवाया था, इसीलिए अगर वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ एक बार वो वीडियो देख लो, बाद में फिर इनको करने की सोचना। ठीक है, तो जिन बच्चों ने वीडियो देखी है, पढ़ रखा है, उनको पता ही है। तो भाई इनामिल जो है वो कहाँ से, इनामिल को बनाने वाली जो सेल हैं, एक्टोडर्मल सेल हैं, वो कहाँ से रिलीज होती हैं? अमीलोब्लास्ट सेल से, ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑस्टियोब्लास्ट नहीं है, ओडेंटोब्लास्ट नहीं है, थर्ड है एमीलोब्लास्ट जो राइट आंसर है इसका, फोर्थ है ओडेंटोब्लास्ट। ओके, नेक्स्ट, आइवरी ऑफ द टूथ इज। अब इन चार में से आइवरी पार्ट जो है वो किसे कहा जाता है, किसको बोला जाता है? तो ये इसके लिए थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा कि किसे कहा जाता है। तो डेंटाइन को कहा जाता है बेटा। किसको कहा जाता है? डेंटाइन। सबको पता होगा कि डेंटाइन लेयर जो है वो हमारे टिथ की सेकेंड लेयर होती है। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होती, बट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होती है। अगर इनामिल की बात करें तो उसके कंपैरिजन में सॉफ्ट होती है, बट अगर हम पल्प कैविटी की बात करें तो उसके कंपैरिजन में हार्ड होती है। सो आंसर क्या हो गया इसका? डेंटाइन। नेक्स्ट, डेंटाइन इज सिक्रेटेड बाय। इसके लिए भी ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने टॉपिक में साफ साफ तुम्हें बताया था इनामिल कौन सी सेल रिलीज करती हैं, डेंटाइन को कौन सी सेल रिलीज़ करती हैं। तो जिन बच्चों ने ध्यान से सुना था, पढ़ा था, उन्होंने पहले से आंसर लिख लिया है अपना, फिर भी ऑप्शन देखते हैं एक बार हम। डेंटाइन रिलीज होती है एलियोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, ओडेंटोब्लास्ट या फिर कॉन्ड्रोब्लास्ट। सो द राइट ऑप्शन इज सी, ओडेंटोब्लास्ट। नेक्स्ट, बल्क ऑफ द टूथ इन ए मैमल इज मेड अप ऑफ। बल्क ऑफ द टूथ इन मैमल इज मेड अप ऑफ, मतलब मैमल्स के केस में जो बल्क पार्ट होता है हमारे टिथ का वो किससे मिलकर बना हुआ है? तो बल्क पार्ट जो है हमारे टिथ का वो डेंटाइन से मिलकर बना हुआ है। आंसर जो है वो है इसका ऑप्शन नंबर सेकंड। फर्स्ट है रूट जो कि नहीं है, सेकंड डेंटाइन है जो राइट है, थर्ड है इनामिल, फोर्थ है पल्प कैविटी। सो क्या है इसका राइट? ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट, द न्यूट्रिशन टू द टूथ इज स्प्लाइड थ्रू। दांतों को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, उनको कौन सप्लाई करता है? ऑफकोर्स बेटा सबसे बाहर वाली कवरिंग तो इतनी ज़्यादा हार्ड है कि वो सप्लाई तो करेगी नहीं, रोकने का काम करती है। उसके बाद वाली डेंटाइन है तो वो भी हार्ड तो है ही, बट उससे अंदर की तरफ जाओ, पल्प कैविटी। पल्प कैविटी जो है वहीं पर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, नर्व्स भी होती हैं, तो न्यूट्रिशन की सप्लाई करने का काम किसका होता है? पल्प कैविटी। ऑप्शन नंबर फोर इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, द पल्प कैविटी इज लाइंड बाय। पल्प कैविटी जो है वो किससे लाइंड है, लाइनिंग किससे बनी हुई है उसकी? देखते हैं ऑप्शन, क्या ऑस्टियोब्लास्ट से है,
क्या एमिलोब्लास्ट से है, क्या ओडेंटोब्लास्ट से है, या फिर क्या कॉन्ड्रोब्लास्ट से है। तो जो हमारी पल्प कैविटी होती है उसकी पूरी की पूरी लाइनिंग किससे मिलकर बनी हुई है, ओडेंटोब्लास्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द ह्यूमन टीथ हेल्प इन कटिंग। अरे बहुत ज़्यादा आसान है, तो इसके लिए ऑप्शन नहीं पढ़ने, ऑप्शन पढ़ना भी मत, तोहीन हो जाएगी तुम्हारी पढ़ाई की। तो बचपन से ये बातें सिखाते आ रहे हैं तुम्हें, काटने वाले दांत कौन से हैं, पीसने वाले दांत कौन से हैं, फाड़ने वाले दांत कौन से हैं। तो बच्चों कटिंग के लिए पूछा है, तो कटिंग के लिए कौन से हैं, ऑफकोर्स बेटा इंसीजर ही हैं, है ना। नेक्स्ट वन, ग्राइंडिंग और चिक टीथ आर। अब ग्राइंडिंग के लिए कौन से हैं, मैंने अभी कहा आपको ये काटने वाले, ये पीसने वाले, ये फाड़ने वाले, तो पीसने वाले को ही तो ग्राइंडिंग बोलते हैं ना, तो ग्राइंडिंग कौन से हैं, ऑप्शन देख लो। वैसे देखने नहीं चाहिए, इसमें भी बहुत ज़्यादा आसान है ये भी। फर्स्ट क्या है, इंसीजर, ये तो कटिंग वाले हैं। कैनिन्स, ये फाड़ने वाले हैं। प्री मोलर, और लास्ट है प्री मोलर एंड मोलर। ऑफकोर्स प्री मोलर एंड मोलर ग्राइंडिंग का काम करते हैं दोनों, है ना, प्री मोलर एंड मोलर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीकस्पिड टीथ। इनमें से किसको पॉलीकस्पिड टीथ कहा जाता है, पॉलीकस्पिड, तो किसे कहा जाता है पॉलीकस्पिड, कहा जाता है मोलर को, किसे कहा जाता है, मोलर को कहा जाता है, ठीक है। मतलब क्या है कि अलग अलग टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है उसमें, तो इसलिए उसको पॉलीकस्पिड बोलते हैं। पॉली का मतलब होता है मैनी, तो ऑप्शन है मोलर जो कि हमारा राइट ऑप्शन है, सेकंड है इंसीजर नहीं, कैनिन्स नहीं, प्री मोलर नहीं, राइट क्या है, ऑप्शन नंबर वन। कितने आसान आसान क्वेश्चंस हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं, बच्चे कहते हैं बच्चे हवा बना देते हैं, इतना मुश्किल पेपर होता है, इतना मुश्किल पेपर होता है। नहीं होता मुश्किल, बड़ा आसान होता है, पर शर्त ये है कि आपको अच्छे से आना चाहिए। आपने उस चीज़ को पढ़ रखा है तो बहुत आसान है, पर अगर पढ़ ही नहीं रखा है तो बेटा वो तो सिलेबस से बाहर हो गया सब, तो इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, द डेंटेशन नॉट फाउंड इन मैन। अब ह्यूमन बींग की डेंटेशन के अकॉर्डिंग ह्यूमन बींग में जो टिथ होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, अब ये भी पढ़ चुके हैं हम। थिकोडोंट ऑफकोर्स होते हैं, थिकोडोंट क्या है, एम्बेडेड स्ट्रक्चर होता है ना, जो टिथ जो होते हैं वो सॉकेट के अंदर फंसे हुए होते हैं। हिट्रोडोंट हाँ होते हैं, क्योंकि हमारे टिथ जो हैं वो फोर टाइप के होते हैं ना, इंसीजर, कैनिन, प्री मोलर एंड मोलर, अलग अलग, तो हिट्रोडोंट। डायफोडोंट हाँ जी होते हैं, डायफोडोंट का मतलब क्या है, लाइफ में दो बार आते हैं ना, पहले मिल्के टिथ आते हैं फिर परमानेंट आते हैं, क्या बच गया, लोफोडोंट, जो कि ह्यूमन डेंटेशन के अकॉर्डिंग ह्यूमन में कंसीडर नहीं किए जाते हैं। लोफोडोंट जो है ये एलिफेंट के अंदर मिलते हैं बेटा, ह्यूमन बींग में नहीं मिलते हैं। तो क्या पूछा था, नॉट फाउंड इन मैन, सो नॉट फाउंड इन मैन में क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर, दैट इज लोफोडोंट। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग टीथ आर ब्यूनोडोंट। इनमें से कौन से हैं जो ब्यूनोडोंट हैं, ब्यूनोडोंट कौन से हैं, ब्यूनोडोंट का मतलब क्या है, स्लाइटली ब्लंट, मतलब बीच में क्या है, एक डिप्रेशन सा होता है। तो क्या इंसीजर हैं और कैनिन्स हैं, क्या प्रीमोलर और मोलर हैं, क्या कैनिन्स एंड प्रीमोलर हैं, या फिर इंसीजर और प्रीमोलर हैं। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रीमोलर एंड मोलर। प्रीमोलर एंड मोलर जो हैं वो कैसे होते हैं, ब्यूनोडोंट होते हैं, बीच में ब्लंट होता है, बीच में डिप्रेशन होता है, स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो। नेक्स्ट वन, व्हेन टीथ आर सिमिलर कॉन शेप्ड, टिथ आर सिमिलर कॉन शेप्ड, कॉन शेप्ड के टिथ जो हैं वो इनमें से कौन से होंगे, एक्रोडोंट नहीं, क्योंकि एक्रोडोंट तो सुपरफिशियल होते हैं ना, सुपरफिशियल को बोलते हैं। होमोडोंट सिमिलर, एक जैसे जो होते हैं। हिट्रो अलग अलग होते हैं। डायफो लाइफ में दो बार आते हैं, तो यहाँ पे सिमिलर पूछा है ना, कॉन शेप, सो सिमिलर कॉन शेप तो होमोडोंट होते हैं, होमो का मतलब ही सेम सेम होता है।
नेक्स्ट वन, मैमिलियन टिथ आर नॉट, मैमल्स के टिथ इनमें से कौन से नहीं हैं? सबको पता है मैमल्स में क्या क्या आता है, तो कौन कौन से नहीं हैं? फर्स्ट, क्या होमोडोंट नहीं है? सेकंड, क्या थीकोडोंट नहीं है? थर्ड, हेटरोडोंट नहीं है? लास्ट, डायफोडोंट नहीं है। तो बेटा थीको भी हैं, हेट्रो भी हैं, डायफो भी हैं, क्या बच गया? होमो। सो होमोडोंट नहीं है। क्यों? क्यों? क्योंकि होमोडोंट का मतलब होता है सिमिलर टिथ। सिमिलर तो नहीं होते हैं, शेप अलग अलग होती है, टाइप्स अलग अलग होते हैं। सो ऑप्शन नंबर वन इज़ द राइट ऑप्शन। 21, हेट्रोडोंट कंडीशन इज कंडीशन इन फाउंड, हेट्रोडोंट कंडीशन इनमें से किस में पाई जाती है? हेट्रोडोंट का मतलब क्या है? अलग अलग शेप के टिथ किस किस में पाए जाते हैं? कैट में होते हैं क्या? बैट में होते हैं क्या? डॉग में होते हैं क्या? सब में होते हैं? तो भाई हम सब लिखेंगे सब में होते हैं, है ना, सभी में होते हैं। मैमल्स में होते हैं बेटा, ऑफकोर्स मैमल्स वाला ऊपर ही तो पढ़ा था हमने। नेक्स्ट वन, डेंटल फार्मूला इज गिवन टू शो, डेंटल फार्मूला जो है वो हमें किस चीज़ को दिखा रहा है? डेंटल फार्मूला किस चीज़ को बताता है? ऑफकोर्स दांतों को बताता होगा, है ना, डेंटल फार्मूला, पर दांतों में भी कुछ बताता है ना। ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ मोलर, क्या डेंटल फार्मूला हमें मोलर का स्ट्रक्चर बताता है? क्या होमोडोंट की कंडीशन बताता है? क्या डायफोडोंट की कंडीशन बताता है? या फिर हमें बताता है नंबर एंड टाइप्स ऑफ टिथ? सो डेंटल फार्मूला जो है उसमें हम क्या लिखते हैं? इनसीजर इतने, कैनिन्स इतने, प्रीमोलर इतने, मोलर इतने। तो मतलब क्या है? नंबर ऑफ टिथ, है ना, अरेंजमेंट ऑफ टिथ, ऐसे ही ना। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4, नंबर एंड टाइप्स ऑफ टिथ। ठीक है, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट जो है वो हमारा वो है, इट इज ए करेक्ट डेंटल फॉर्मूला फॉर द चाइल्ड फॉलिंग अंडर एज ग्रुप 5 to 6। 5 से 6 साल का कोई बच्चा है तो उसका डेंटल फॉर्मूला कौन सा होगा? हमने दो टाइप के पढ़े हैं, एक हमने पढ़ा है मिल्की, जिसको हम बोलते हैं टेम्परेरी डेंटल फॉर्मूला, और दूसरा हमने पढ़ा है परमानेंट। परमानेंट जो है वो अडल्ट का होता है। तो बेटा 5 से 6 साल का तो बच्चा हुआ ना, मिल्क टीथ हुए ना उसके, तो कौन सा है? 2102 by 2102, या फिर 2123 by 2123, या फिर 1223 1223, या फिर 2213 2213। ऑफकोर्स हमने ऐसा कभी नहीं पढ़ा, हमने ये भी नहीं पढ़ा, हमने ये पढ़ा है बट ये नहीं पढ़ा है ना। बट चाइल्ड का तो हमने क्या पढ़ा है? चाइल्ड का तो यही होता है ना 2102 by 2102, क्योंकि छोटे बच्चे जो हैं उनमें प्रीमोलर नहीं होते, है ना, बाद में आते हैं ना प्रीमोलर, छोटे बच्चों में प्रीमोलर नहीं होते हैं। सो राइट ऑप्शन क्या है इसका? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, टिथ ऑफ अडल्ट मैन नॉट प्रेजेंट इन मिल्क डेंटेशन आर, इनमें से बताना है कि भाई अडल्ट का जो डेंटेशन फॉर्मूला है उनमें जितने भी टिथ हैं उनमें से कौन से चाइल्ड में नहीं है? तो चाइल्ड में कौन से नहीं है? अभी तो बताया मैंने प्रीमोलर नहीं है। ऑप्शन देखते हैं, मोलर ये होते हैं, कैनिन्स होते हैं, इनसीजर होते हैं, अभी अभी तो बताया प्रीमोलर नहीं होते। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, प्रीमोलर। नेक्स्ट, हाउ मैनी टिथ अपीयर ट्वाइस ड्यूरिंग द लाइफ स्पैन ऑफ इंडिविजुअल, ये पूछा गया है हमसे, कितने दांत हमारे पूरे लाइफ टाइम में 2 बार दिखाई देते हैं, कितने टोटल कितने? तो जो छोटे बच्चे में होते हैं वो तो हैं ही, बाद में जब अडल्ट में हम चेंज होते हैं तो वो तो एज इट इज़ रहते हैं, नए कौन से आते हैं? प्रीमोलर और विजडम वाला आता है। तो यहाँ पे छोटे बच्चे में कितने होते हैं? 20 होते हैं, तो 20। फर्स्ट ऑप्शन है 12 जो कि नहीं है, सेकंड है 20 जो राइट है, थर्ड है 28 नहीं है, लास्ट है 32 नहीं है, 20 इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट,
एन एडोलसेंट ह्यूमन बिलो 17 ईयर्स ऑफ एज नॉर्मली हैज डेंटल फॉर्मूला इज। अब एक एडोलसेंस की एज होती है ना, छोटे बच्चे में हमने देखे हैं 20 होते हैं, अडल्ट में हम बोलते हैं 32 होते हैं, बट जो एडोलसेंस की एज होती है उसमें ना तो हमारे 20 टीथ होते हैं और ना ही कंप्लीट हमारे 32 होते हैं। तो कितने होते हैं उस टाइम पीरियड पर? जो हमारा डेंटल फॉर्मूला होता है वो होता है 2122 बाय में 2122। ये आपको लर्न करना पड़ेगा क्या होता है 2122 बाय में 2122। टू यहाँ पे क्या है? इनसीजर। आई यहाँ पे क्या है? सॉरी टू यहाँ पे क्या है? इनसीजर। वन यहाँ पे क्या है? कैनिन्स। टू यहाँ पे क्या है? प्री मोलर। और लास्ट वाला टू यहाँ पे क्या है? मोलर। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट, डेंटल फार्मूला ऑफ अडल्ट मैन बड़ा आसान है, नहीं ऑप्शन पढ़ूंगी क्योंकि पढ़ने भी नहीं चाहिए। 2123 बाय में 2123 फर्स्ट, 2123 बाय में 2123। नेक्स्ट, नंबर ऑफ इनसीजर कैनिन्स प्री मोलर मोलर इन ईच जा ऑफ मैन। पूछा गया है बेटा कि नंबर ऑफ इनसीजर कितने नंबर, नंबर ऑफ कैनिन्स, नंबर ऑफ प्री मोलर, नंबर ऑफ मोलर इन ईच जा ऑफ मैन। ह्यूमन बींग के जो दोनों सेट जो हैं अपर एंड लोअर, उनमें इनसीजर कितने हैं, कैनिन कितने हैं, प्री मोलर कितने हैं, मोलर कितने हैं। तो देखते हैं कितने कितने होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 6244। क्या 6 इनसीजर होते हैं, 2 कैनिन होते हैं, 4 प्री मोलर होते हैं, 4 मोलर होते हैं? नहीं, आपको मैं ऑप्शन राइट ही बता देती हूँ। 4254 ये होते हैं, 4254 ये होते हैं। 4 जो हैं वो होते हैं हमारे इनसीजर, 2 होते हैं हमारे कैनिन, 5 होते हैं हमारे प्री मोलर, और लास्ट में जो हैं वो होते हैं हमारे मोलर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, विजडम टूथ इन ह्यूमन इज विजडम। विजडम कौन सा है? तो भाई विजडम कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन थर्ड मोलर एंड 4 इन नंबर, सेकंड थर्ड मोलर एंड 2 इन नंबर, थर्ड सेकंड मोलर एंड 4 इन नंबर, एंड लास्ट सेकंड मोलर 2 इन नंबर। तो राइट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1, थर्ड मोलर एंड 4 इन नंबर, क्योंकि टोटल 4 ही होते हैं ना, 4 ही होते हैं टोटल, उनमें से थर्ड नंबर पे जो होता है हमारा वो विजडम टीथ होते हैं हमारे, बोलते हैं ना लास्ट सेकंड। उसके बाद है हाउ मैनी विजडम टीथ आर फाउंड इन मैन। ह्यूमन बींग जो है उनमें कितने विजडम टीथ होते हैं? तो अभी अभी बताया मैंने 4 ही होते हैं, तो ऑप्शन क्या है इसका? ऑप्शन नंबर 3। तो आई थिंक आप सबने मैच कर लिया होगा और आपने अपना स्कोर भी देख लिया होगा कि कितना है। तो एक टॉपिक को अगर अच्छे से आप तैयार करते हो तो उसमें से प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चंस ज़रूर रिवाइज करने चाहिए, और इसलिए मैंने वीडियो बनाई है ताकि वो टॉपिक आपने अच्छे से कर लिया है फिर उसके बाद उसकी रिवीजन हो जाए। आई थिंक आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, कुछ फ़ायदा आपको ज़रूर हुआ होगा इससे, और आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि अगर रेगुलर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको बेनिफिट ज़रूर होगा, और जो आगे आपका नीट का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें बहुत हेल्प होगी आपकी। तो मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताना कि 30 क्वेश्चन हमने किए हैं तो उसमें से आपके ठीक कितने हैं, और अगर बहुत कम हैं ठीक तो कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करने से सब कुछ आसान हो जाएगा। एक और नया टॉपिक हम करेंगे फिर उसमें से भी ऐसे ही क्वेश्चंस को करेंगे तो उससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, हर एक टॉपिक जो है वो तैयार हो जाएगा। तो बच्चों मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ और हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप खूब मन लगा के पढ़िए। थैंक यू।